हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, आम भी हमारा बहुत ले चुका है और इसमें अब टिकोरा भी आने लगा है। आप देख सकते हैं सभी आम बहुत चुके हैं। मैं अपने मिर्च के खेतों में आ चुकी हूँ। हमारी चाची भी मिर्च तोड़ रही हैं। तो आज की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ से मिर्च तोड़ लेती हूँ और देखिए मिर्च भी कितनी अच्छी फरी हुई है। तो मैंने मिर्च को तोड़ लिया है। अब इधर देखिए, अरहर की खेती बहुत अच्छी हुई है। हम अरहर का दाल जो है घर पर ही तैयार करते हैं। और इधर मैंने धनिया लगाया हुआ है। अब मैं धनिया का पत्ती भी ले लेती हूँ। तो मैंने धनिया और मिर्च ले लिया है। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है, ये 5-6 हमने आलू लिए हैं, बड़े आलू लिए हैं। आप भी इसी तरह बड़े आलू लीजिएगा। और ये हमने 3 प्याज लिए हुए हैं और ये हमने 2 टमाटर लिए हुए हैं। और ये हमने मसालों के लिए लिया है, ये हमने धनिया लिया हुआ है, लगभग 2 चम्मच आएगा ये। और ये हमने जो है गरम मसाला लिया है, इसमें एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, दालचीनी है। और ये हमने लिया हुआ है कुछ जीरा इसमें। और ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, ये कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है हमने। और ये हमने गरम मसाला लिया हुआ है। और तड़का लगाने के लिए लिया है तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, जीरा। और ये मसाले में मैं पीसूंगी इसको, तो ये हरी मिर्च है, लहसुन है और ये अदरक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आलू का छिलका उतार कर रख लेते हैं। अब मैं आलू को काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से आलू को काटा हुआ है, इसी तरह आपको काटना है। बड़े आलू होने चाहिए। ये हमने बड़े आलू लिए हुए हैं क्योंकि ये सब्जी बड़े आलूओं की ही बनती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने आलू को काट लिया है। अब मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। 2-3 पानी से मैं इसे धोऊंगी। अब मैं टमाटर को भी धो लेती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से धोऊंगी। अब मैं टमाटर को काट लेती हूँ और मैं अब टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी।
अब मैं प्याज को काटकर इसका छिलका उतार लेती हूँ और इसे धोकर फिर बारीक काटूंगी। प्याज को मैंने धो लिया है, अब मैं प्याज को बिल्कुल बारीक काटूंगी। देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से इसको बारीक काटा हुआ है। और अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जो मसाले मैंने आपको पीसने के लिए बताए थे उसे मैं अब पीस लेती हूँ। तो हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, इसमें मैं सरसों का तेल डालकर उसे गर्म करती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम आलू को इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं आलू हमारा फ्राई हो चुका है, ये चारों तरफ से अच्छा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और भी आलू हमारे बचे हुए हैं जो, उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद जो हमारा तेल बचा हुआ है उसी में हम अब सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, जीरा को थोड़ा तड़कने देते हैं। उसके बाद अब तेजपत्ता डालते हैं। अब हम इसमें दो लाल मिर्च जो हमने ली थी उसे डालते हैं, थोड़ा सा चला देते हैं इसको। अब हमारा जीरा और तेजपत्ता दोनों ही लाल हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा अच्छे से लाल हो चुका है, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी अच्छे से भूनेंगे। अदरक और लहसुन को भी अच्छे से हमने भून लिया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल लेती हूँ। टमाटर को डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे चलाते रहेंगे। अब हम टमाटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। नमक को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद हम टमाटर को अब कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा टमाटर कितना अच्छे से गल चुका है, बहुत ही अच्छा टमाटर गला हुआ है इसमें। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा हुआ था उसे डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला पानी के साथ अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर हमने लिया हुआ था उसे डाल देते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च को भी इसमें डाल देते हैं। मसालों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे।
अब हम मसालों को 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसमें से तेल जो है हमारा बाहर ना निकलने लगे। मसाले को पकाते समय हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला अंदर लगे नहीं। आप देख सकते हैं मसाला हमारा पक चुका है, मसाला हमारा कढ़ाई में से इसे बाहर की तरफ छोड़ने लगा है, यानी अच्छे से मसाला हमारा हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे, जो हमने फ्राई किया था उसे हम इसमें डाल देते हैं और मसाले में मिक्स करते हैं। मसाले में आलू को मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारा आलू मसाले में अच्छे से पके। मसाले में हमारा आलू अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डालेंगे। मैंने इसमें एक बड़ी कटोरी पानी डाला है, आपको और भी पतला रसा पसंद है तो इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। पानी को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे कुछ देर के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारी सब्जी हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। आप इस सब्जी को घर में ज़रूर बनाइएगा, ये सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सब्जी को हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसमें जो हमने लाल मिर्च को तला हुआ था उसे डाल देते हैं और हरी धनिया को काटा हुआ था उसको डाल लेते हैं और सब्जी को अच्छे से सजा देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।